तिलवारा घाट के समीप स्थित मेखला रिसोर्ट के एक कमरे में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती अर्ध निर्वस्त्र हालत में थी। उसकी कलाई और गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जाता है कि पहले युवती एक युवक के साथ होटल आई थी और दोनों कमरा लेके उसमें रुके हुए थे, लेकिन युवती के साथ आया युवक फिलहाल लापता है। तिलवारा घाट के आगे बर्गी रोड पर स्थित मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 105 में 22 वर्षीय युवती की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। होटल के कर्मचारियों ने युवती को कमरे में मृत हालत में देखा, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और पुलिस अधिकारी तत्काल रिसोर्ट पहुंचे। और जब कमरे में गए तो अर्ध निर्वस्त्र हालत में युवती का शव पड़ा था। उसकी गर्दन और कलाई में चोट के निशान थे। पुलिस को घटनास्थल से 2 ब्लेड बरामद हुई है। बताया जाता है कि 6 नवंबर को युवती एक युवक के साथ होटल आई थी। दोनों ने काउंटर पर अपने आधार कार्ड जमा किए और होटल का रूम लिया था। होटल कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर सोमवार की शाम उन्होंने युवती के साथ आए युवक को होटल से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन युवती को 7 नवंबर की शाम यानी सोमवार से किसी ने रूम के बाहर नहीं देखा। मंगलवार की सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजे का लॉक खोला, तब युवती को उन्होंने मृत हालत में पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। युवती के साथ होटल में ठहरे हुए युवक का भी फिलहाल कोई पता नहीं चला है। पुलिस को होटल से युवक और युवती द्वारा दिए गए 2 आधार कार्ड भी मिले। इस आधार पर पुलिस मृतका की शनाख्ति के प्रयास कर रही है। युवती के आधार कार्ड में जो नाम और पता लिखा पाया गया, उसकी तस्दीक कर पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। इधर पुलिस को होटल से युवक का आधार कार्ड भी मिला है, जिसमें गुजरात का पता लिखा होने की बात सामने आई है। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल के साथ ही होटल में लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इसके साथ ही उस युवक की भी तलाश की जा रही है, जिसके साथ युवती होटल में आकर रुकी थी। इधर जांच में युवती के गर्भवती होने की बात भी सामने आई है, जिसकी पुष्टि भी पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में पुलिस को मिले आधार कार्ड के फर्जी होने की बात भी सामने आई है, जिससे ये पूरा मामला उलझ गया है। तो यहाँ के जो जांच की गई है उसमें पता चला है कि मेखला रिसोर्ट जो तिलवारा थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे 6 नवंबर को एक लड़का और लड़की आके इन लोगों ने दोपहर 12 बजे चेक इन किया था। उसके बाद शाम को 7 तारीख को शाम को लड़का यहाँ से निकल गया है और लड़की अंदर ही थी रूम में। तो जब मेखला के स्टाफ के द्वारा डिनर के लिए कांटेक्ट किया गया तो कोई भी रिस्पांस रूम से नहीं मिला। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए आज सुबह कांटेक्ट किया गया तो कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद स्टाफ के द्वारा मास्टर की से रूम को खोला गया तो उनको वहाँ पर लड़की जो है मृत हालत में मिली। उसके बाद ही उनको उनके द्वारा तिलवारा थाने में सूचना दी गई। तो अभी तक इसमें जो है आईडी कार्ड जो जमा करे थे लड़के और लड़की ने, वो यहाँ पे मिले हुए हैं आधार कार्ड, तो उसके बेसिस पर जो लड़की है उसकी शिनाख्त राखी मिश्रा के रूप में हुई है और एड्रेस जो है ओमती जबलपुर का है। तो अभी जांच की जा रही है और जो उसका मित्र है उसकी भी तलाश पतासाजी की जा रही है। तो बॉडी में 2 मेन चोटें थीं, एक कलाई जो है कटी हुई थी और गर्दन पर भी कटा हुआ था, जो कि ब्लेड भी 2 ब्लेड भी बरामद हुई हैं घटनास्थल से, तो संभवतः उन्हीं ब्लेड से यह कारित किया गया है। तो अभी इसमें जांच की जा रही है, PM के लिए बॉडी को रवाना किया गया है, जिससे हम बता पाएंगे कि मुख्य कारण क्या रहा। लड़की की उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 22 वर्ष है। अभी तक परिजनों से कांटेक्ट मतलब वो नहीं पहुंचे हैं, उनसे बात करके ज़्यादा पता चलेगा कि वह क्या करती थी। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या से जुड़ा, इसे लेकर पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी पड़ताल के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी।